शुरू करते हैं। ये फैब्रिक के मैंने दो पीस लिए हैं, ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है। लाइनिंग के लिए आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। सेम इसी तरह से दो पीस ये हैं, इनका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी विड्थ है 9 इंच और लेंथ है 13.5 इंच। विड्थ दोनों की सेम रहेगी, इसकी विड्थ है 9 इंच और लेंथ है 9.5 इंच। स्टिफनेस के लिए हम इनमें राइस बैग का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसमें फोम भी यूज़ कर सकते हैं, आटा पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं या बुकरम भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम वो पीस लेंगे जो हमने स्टिफनेस के लिए यूज़ किया है, उसके ऊपर हम रखेंगे अपना मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे हम अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक और इनको हम स्टिच कर लेंगे साइड से। थोड़ा सा हिस्सा हम छोड़ लेंगे जिसमें से हम इसे पलटेंगे और सेम इसी तरह से हम अपना दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे। ये दोनों पीसीज पर हमने साइड से स्टिचिंग लगा ली है और थोड़ा सा हिस्सा हमने छोड़ दिया है। इसको पलटने से पहले हम इसके कोनों को काट लेंगे। कोने काटने से इसे पलटने में हमें आसानी होती है। ये मैंने दोनों पीसीज के कोनों को काट लिया है और अब हम इसे यहाँ से पलटेंगे। दोनों पीसों को पलट के हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दोनों पीसीज को हमने सीधा कर लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलटने के बाद दोनों पीसीज पर हम सिलाई लगा के उन्हें तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोनों पीसीज पर सिलाई लगा के और प्रेस करके मैंने इन्हें सेट कर लिया है। छोटे वाले पार्ट को फोल्ड करके उसका हम सेंटर निकाल लेंगे और निशान लगा लेंगे। अब हम छोटे पीस को लेंगे और दोनों पीसेस की सीधी साइड को मिलाते हुए रख देंगे। अब दोनों साइड से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और 3 साइड हम स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए हमने स्टिचिंग लगा ली है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और ऊपर वाले दो हिस्से उठाते हुए हम साइड में स्टिचिंग लगा लेंगे। ये देखिए हमने साइड स्टिचिंग लगा ली है। अब हम इसे पलटेंगे और इसे एक बार और फोल्ड करके हम साइड में एक एक स्टिचिंग और लगाएंगे। ऊपर वाले पार्ट को अलग कर देंगे और नीचे वाले दो पार्ट पर ही हमें स्टिचिंग लगानी है। ये देखिए हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है और हमारा पर्स लगभग बनके तैयार हो गया है। आप इसमें वेलक्रो टेप लगा सकते हैं और मैग्नेटिक बटन भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये मैंने ये मैग्नेटिक बटन लिया है जिसे मैं इसमें लगा दूंगी। आप इसके ऊपर एक डेकोरेटेड बटन लगा सकते हैं या फिर फैब्रिक का भी कोई बटन इस पर बनाकर लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने दोनों बटन लगा लिए हैं और हमारा ये हैंड पर्स बनके तैयार हो गया है। इसमें 3 पॉकेट बनी हैं, 2 बड़ी पॉकेट हैं और 1 छोटी पॉकेट है जिनमें हम अपने कार्ड, फ़ोन, पैसे आसानी से रख सकते हैं। इस तरह आप अपने ब्लाउज में से बचे हुए पीस से अपनी साड़ी का मैचिंग पर्स बना सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगता है और आसानी से बन भी जाता है।